हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रवीण कथुरिया किचन। आज मैं आपके लिए कच्चे आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए ऐसे करके बनाया है मैंने। दो तरह से आप इसको खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो और टिक्की टाइप चटपटा बना के भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो आलू लिए कच्चे, उनको अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया था और इसको ग्रेट करना है। इसको बारीक वाली साइड से ग्रेट करना है, बहुत मोटा ग्रेट नहीं करना, नहीं तो ये हमारे ये जो है स्नैक है ये अच्छा नहीं बनेगा। इसको ग्रेट कर लेंगे, दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे हम। अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये स्नैक, या नाश्ता भी आप इसको बोल सकते हो। इवनिंग स्नैक में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये मैंने ग्रेट कर लिया और पानी में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि निचोड़ लेना है इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह निचोड़ लेना है ताकि पानी इसका बिल्कुल हट जाए। जितना हम निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लेंगे इसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह निचोड़ रही हूँ मैं इसको। हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ जाएगा ये। उसके बाद इसको अभी मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। ये रेसिपी जो है बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है और बिना ऑयल के बनाती हूँ। वैसे भी आपको पता, मैं जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ कोशिश यही करती हूँ कि बिना ऑयल के बनाऊँ, ताकि थोड़ी हेल्दी साइड में रहें और खाने में इजी रहें, इसलिए मैं ऐसी ही रेसिपी बनाती हूँ। ये रेसिपी भी मैंने एयर फ्रायर में बनाई है और इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा मैंने। अब मैं इसके अंदर आलूओं को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, आधा कप डाला है कॉर्नफ्लोर अभी, फिर और भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर, इसके बाद कोरिएंडर डाल रही हूँ चॉप किया हुआ इसके अंदर, 1 टेबलस्पून डाला मैंने। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला ताकि बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर, हल्की सी बाइंडिंग देनी है, और क्योंकि फ्राई तो करना नहीं है इसको, एयर फ्रायर में बनाना है तो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना डालना है कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ा बाइंड हो जाए इकट्ठा। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं इसमें। अभी मैंने सॉल्ट नहीं डाला इसके अंदर, अब कॉर्नफ्लोर थोड़ा और डाल रही हूँ मैं। टोटल 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया मैंने इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे इसको, क्योंकि आलू जो थे मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, इसलिए थोड़ा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाला इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह फैल जाए सब जगह और थोड़ी बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर। अब इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट मैंने नहीं डाला था पहले, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला मैंने इसके अंदर, क्योंकि सॉल्ट डालने से ये होता है कि पानी छोड़ जाएंगे आलू बिल्कुल, इसलिए एंड टाइम पे जब मैं कटलेट्स बना रही हूँ तब मैंने सॉल्ट डाला इसके अंदर। अब मिक्स कर लेंगे सॉल्ट को अच्छी तरह से इसके अंदर। अब इसके अंदर से छोटे छोटे पोर्शन ले लूँगी मैं, और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, बॉल की शेप भी दे सकते हो, कटलेट की भी दे सकते हो, टिक्की टाइप ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप, जो आपको शेप पसंद हो बना सकते हो आप। आप इसको फ्राई भी कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो पैन में, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ऑयल फ्री ही बनाती हूँ ज़्यादातर रेसिपीज़, ताकि खाने में ईजी रहे, कोई भी इसको ईजीली खा सके। ये देखिए अब ये कटलेट बन गया है। अब ऐसे ही सारे मैं बना के प्लेट में रखती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और इसके ये बना लेंगे कटलेट्स और एक प्लेट में रख लेंगे। ये स्नैक भी बोल सकते हैं आप इसको, ये स्नैक बना लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। प्रॉपर कटलेट भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इसमें दो ही इंग्रेडिएंट डाले हैं, आलू डाले हैं और कॉर्नफ्लोर डाला है, उसी से ही बन गया ये।
इसके बाद ऐसे करके सारे मैं बना लूँगी ये स्नैक। ये बन चुके हैं ये देखिए। इसके बाद एयर फ्रायर ले रही हूँ मैं, इसके अंदर सारे रख देंगे। सारे स्नैक इसके अंदर रख दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको एयर फ्राई करना है। 200 डिग्री पे रख के 5 मिनट के लिए एयर फ्राई करना है। अब ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने टेस्टी कटलेट्स हमारे, ये जो स्नैक है ये रेडी हो गया है। अब दो जो कटलेट है मैंने एक बाउल में लिया है, उसके अंदर उसके ऊपर कर्ड डाल रही हूँ। बहुत ही चटपटे लगेंगे ये, आप ऐसे करके भी खा सकते हो, सिंपली सॉस के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो। उसके बाद ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी वो डाली है इसके ऊपर, और ये इमली की चटनी भी मेरे पास थी, मैं बनाती रहती हूँ, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये, इस टाइप से आप खाओगे तो ऐसे लगेगा कि मार्केट से आप मंगवा के खा रहे हो ये चाट, बहुत टेस्टी चाट बन जाएगी ये। इमली की चटनी डाल दी, अब ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी और डालूंगी मैं। देखिए थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी और डाल दी, और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेंगे ये। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोज़ का, मेरी रेसिपीज़ का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।